नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जीतू और आप देख रहे हो जीतू टेक YouTube चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप Instagram की जो स्टोरी होती हैं वो आप म्यूजिक के साथ में कैसे जो अपने गैलरी के अंदर सेव कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम Instagram पर स्टोरी लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हम जब भी स्टोरी लगाते हैं तो वहाँ पर हम म्यूजिक भी चूज़ करते हैं, ठीक है। फोटो के साथ वहाँ पर म्यूजिक भी लगाते हैं, लेकिन जब हम उस स्टोरी को सेव करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो म्यूजिक है वो नहीं आता है गैलरी के अंदर जब हम सेव करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख लीजिए मैंने Instagram को ओपन कर लिया और यहाँ पर यह मेरा पेज है मारो पिकानो, ठीक है। तो इस पेज पर मैं जो आपको स्टोरी लगा के आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा पेज है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले योर स्टोरी पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा कैमरा ओपन हो जाता है और यहाँ पर स्टोरी नाम आ जाता है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर रील्स नाम आ रहा है तो आपको स्टोरी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू, एक मिनट इसको कट कर देते हैं, वापस ये रील्स आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करना, वापस स्टोरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप क्या करना है, यहाँ पर कोई भी आपको फोटो लेना है तो मैं यहाँ पर एक फोटो यहाँ पर ले लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इस फोटो को यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है, मतलब जैसा भी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सॉन्ग डालना है, तो मैं यहाँ पर सॉन्ग डालता हूँ म्यूजिक, और यहाँ पर जो है सर्च कर लेते हैं हम जो है, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे सामने बहुत सारा जो सॉन्ग है वो आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर एक सॉन्ग यहाँ पर प्ले कर देता हूँ, ठीक है, और इस वाले सॉन्ग को यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, मैं बस डन पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पर नीचे स्लाइड करके रख देना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा जो सॉन्ग है वो भी चल रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको आवाज़ ना आ रही हो क्योंकि मेरे अभी जो है कॉलर माइक लगा हुआ है बोया वाला, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए स्टोरी सेव का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, देखते हैं सेव होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। तो अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, थोड़ा सा मतलब टाइम ले रहा है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नाम आ गया है वीडियो सेव्ड, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेंड टू पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद शेयर पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम कर देते हैं डन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी जो स्टोरी है वो लग रही है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा और स्टोरी जो कम्प्लीट हो जाएगी, पोस्टिंग हो रही है अभी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा यार क्योंकि नेट भी बहुत ज़्यादा स्लो है, और दूसरा स्टोरी लगने में टाइम लगता है, ओके। स्टेटस लगने में टाइम नहीं लगता बट स्टोरी जो लगने में टाइम लगता है। तो ये जो हमारी स्टोरी देख लीजिए पोस्ट हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो स्टोरी है वो लग चुकी है, ठीक है। अब हम जब भी स्टोरी को यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सेव वीडियो करते हैं, तो ये स्टोरी हमारे जो यहाँ पर सेव तो हो जाएगी लेकिन सेव विदाउट म्यूजिक होगी, ठीक है। यहाँ पर म्यूजिक के बिना सेव होगी स्टोरी, सेव तो हो जाएगी हमारे मोबाइल के अंदर कैमरा फोल्डर में या किसी भी फोल्डर में सेव हो जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए सेव टू कैमरा रोल, ठीक है। लेकिन ये जो है इसके अंदर म्यूजिक नहीं आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप म्यूजिक के साथ जो है कैसे सेव कर सकते हो, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको बस होम पेज जो गूगल है वहाँ पर आपको चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए गूगल आ गया, और गूगल के अंदर आपको सर्च क्या करना है वो आप देख लीजिए, इंस्टाग्राम, ओके। ये देखिए जो जो नाम मैं सर्च कर रहा हूँ वो नाम आपको यहाँ पर सर्च करना है, इंस्टाग्राम स्टोरी सेव, आपको ये जो है सर्च कर देना है। उसके बाद आपको पहली जो लिंक है इस पर आपको क्लिक कर देना है, पहली वाली लिंक पे ही, ओके। पहली वाली लिंक अब जब आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एंटर इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर नेम, तो आपको यहाँ पर उस अकाउंट का नाम डालना है या फिर अपनी स्टोरी सेव करनी है तो अपने अकाउंट का यूजर नेम होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये मेरा पेज है मारू बीकानो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने देख लीजिए एक जो है कैप्चा कंप्लीट करने के लिए आएगा, ये देखिए आई एम नॉट ए रोबोट, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर राइट कर देना है,
इस पर राइट कर देने के बाद जो स्टोरी है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। देखिए प्लीज़ चेक कैप्चा, यहाँ पर आप देख लीजिए हमारो बीकानो ये पेज आ गया और यहाँ पर ये जो स्टोरी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक, अब आप क्या करना है, स्टोरी के इस पे यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए डाउनलोड नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बस आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो इसको एक बार क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए ये जो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, ये स्टोरी और म्यूजिक के साथ है। फिलहाल मैं तो आपको म्यूजिक नहीं चला के दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है यूट्यूब के अंदर। बाकी आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स बस मिलते हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।